बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो क्विक पे से ट्रांसफ़र करते हैं SCC पे में, तो उनके लिए जो है लिमिट एक्सीड का भी मैसेज आता है, तो उसके एक हाल है कि आप जो है रियाज बैंक और बैंक अरबी का अकाउंट है इसमें SCC पे में, तो उसको जो है आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी क्विक पे के अकाउंट से। तो ये मैंने सेलेक्ट किया है, तो देखिए इसमें तो आपने ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट वाला अकाउंट सेलेक्ट करें, और यहाँ पे ये देखिए इसमें दो अकाउंट हैं, बैंक अरबी का अकाउंट है और दूसरा जो है इसको अकाउंट को कॉपी कर लेते हैं। ये हर आदमी का इंडिपेंडेंट अकाउंट है, यूनिक अकाउंट है, यानी आप हर आदमी का जो भी यूज़र है उसका इसको अकाउंट कॉपी करके तो इसको उसके क्विक पे का जो अकाउंट है, NCB अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं है, क्विक पे वाला अकाउंट है उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो आप मैनेज बेनिफिशरी में जाके, या अगर आपका क्विक पे का है उसमें लोकल बैंक में जाके ऐड न्यू बेनिफिशरी में जाएंगे आप। तो इसमें आपने सबसे पहले अकाउंट नंबर ऐड कर लेना जो मैंने कॉपी किया था SCC पे से, तो आप इसमें नीचे अपने अपना जो नाम उसमें शो हो रहा है ना, आपका अपना अकाउंट और अपना नाम इसमें आपने लिखना है, तो नीचे ऑटोमेटिक बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक अरब नेशनल बैंक। तो इसको आपने अभी प्रोसीड कंफर्म कर देना, इसको जब ये अकाउंट पेस्ट कर लेंगे तो अभी इसके बाद NCB से कंफर्मेशन की आपको पता कॉल आती है, क्विक पे में ये सिस्टम है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कॉल के लिए। तो इसको आप कंफर्म करके 1 प्रेस कर दें बेनिफिशरी ऐड करने का, बाद में आपसे वो फ़ोन बैंकिंग का कोड होता है 4 डिजिट का, वो आपने इसमें कंफर्म करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। अगर वो आपका कोड नहीं है तो आप बना सकते हैं उसको, इसमें इसका फ़ोन नंबर है टोल फ्री का, इसका NCB का एक का, तो आप उसके वो फ़ोन बैंकिंग का कोड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसमें अभी मैंने अमाउंट लिखूँगा क्योंकि वो बेनिफिशरी ऐड चुका, अमाउंट लिख के फिर जो है इसमें पर्पस क्या है वो लिख लेंगे, ठीक है, ट्रांसफ़र टू पर्सनल अकाउंट या फ्रेंड ऐसे कर सकते हैं। अगर अपना अकाउंट है तो फिर आप इसको ट्रांसफ़र टू पर्सनल अकाउंट लिख लें। तो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद, आपने अमाउंट डालने के बाद है इसको प्रोसीड कर देंगे, तो नेक्स्ट पेज में जाके एक दफ़ा सारा चेक कर लेते हैं इसको, तो इसको कंफर्म कर देते हैं। तो ये देखिए इसमें पूरा डिटेल आ रहा है, तो पहले तो इसमें चार्जेस नहीं थे, तो अभी ये कुछ दिनों से जो है जब ये मैंने वीडियो बनाई तो उस टाइम इन्होंने अभी लोकल इसमें ट्रांसफ़र पे चार्ज लगाए हैं। तो ये मेरे SCC पे के अकाउंट में जो है इससे NCB से ट्रांसफ़र हो चुके हैं अमाउंट। तो ये आप वर्किंग टाइम में करेंगे तो विद इन फ्यू मिनट्स ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर आप वीकेंड पे करेंगे तो फिर जो है फ्राइडे सैटरडे को ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसलिए आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा। तो ये इसमें देखें ये कन्फर्मेशन भी है इसमें आ गई, तो मेरे जो है SCC पे के अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो गई है। तो आज की वीडियो यही करते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।